सिद्धार्थ नगर के थाना लोटन पुलिस के द्वारा एमएलसी चुनाव में पैसे का प्रलोभन देने वाला गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से 2 लिफाफे और कुल 24,000 रुपए बरामद किए गए। बता दें, डॉक्टर यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर के द्वारा अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर के कुशल पर्यवेक्षण और प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे थाना लोटन के निर्देश पर मुखबिर की सूचना पर जिले के चाय की दुकान पर एमएलसी चुनाव में पैसे का प्रलोभन देने के कारण कस्बा लोटन थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थ नगर से अभियुक्त निरंजन चौरसिया पुत्र दुखी ग्राम मोहदेया थाना लोटन जनपद सिद्धार्थ नगर के पास से नियमानुसार जमा तलाशी के उपरांत 12,000 के 2 लिफाफे और कुल 24,000 रुपए बरामद किए गए। इस अपराध के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। बता दें, जिले चाय के दुकान पर आरोपी मौजूद था जिसके गिरफ्तारी की गई और ये गिरफ्तारी करीब 12:10 पर की गई, जिसके पास से 12,000 के 2 लिफाफे यानी कि कुल 24,000 रुपए की बरामदगी की गई है। वहीं आपको बता दें, गिरफ्तार अभियुक्त का नाम निरंजन चौरसिया है, जिसको लोटन जनपद सिद्धार्थ नगर से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे थाना कोतवाली लोटन सिद्धार्थ नगर मौजूद थे, साथ ही उप निरीक्षक शिव नारायण सिंह थाना कोतवाली लोटन, इसके साथ ही कांस्टेबल संदीप यादव और इसके साथ ही कांस्टेबल अमन प्रतीक दुबे भी मौजूद थे, जिस टीम को सफलता मिली।